हेलो, कैसे हैं सारे? अच्छे, मस्त, बिंदास। सुबह से क्लास कर रहे हैं? कुछ लोग होंगे जो सुबह से क्लास कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ ये वाला क्रैश कोर्स कर रहे होंगे। आपका दो लेक्चर कंप्लीट हो गया है ना? ओके, सो लेट अस लुक एट द थर्ड लेक्चर, दैट इज सर्वेइंग, है ना? तो कल हमने कुछ पढ़ा था और आपके कमेंट्स मैंने देखे। किस लिखा सर, आप बहुत कुछ नहीं बता रहे हो। तो बेटा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्रैश कोर्स है तो हम ये मांग के चल रहे थोड़ा बहुत कि आपको आता है, और दूसरा हम जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, हम आपको सब क्वेश्चंस में करवा रहे होंगे, तो उसका आप टेंशन ना लो, वो हमारा टेंशन है ना? तो आपका काम है सिर्फ पढ़ो, आप उसका टेंशन मत लो, कुछ छूट रहा है कि नहीं वो हम करा देंगे। दूसरा, किसी ने लिखा सर गुप्ता एंड गुप्ता वाला पार्ट करवा देने के लिए, तो देखो एक चीज़ हम उसमें बोलेंगे कि हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। आप बनाओ क्वेश्चंस, कोई डाउट है आप पूछने के लिए हमेशा रेडी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बाकी अगर आपको और भी चीज़ अगर पढ़ना है, जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस क्रैश कोर्स, अगर आपको ऑल द एग्जाम्स अगर आपको देखना है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो भार10, क्योंकि मेरा नाम अभिषेक भारती, इसलिए भार10 रखा है कोड, ठीक है? और उस पर आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो कोई 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फ़ीस पे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम जब लीनियर मेजरमेंट का करेक्शन पढ़ रहे थे, तो लीनियर मेजरमेंट के करेक्शन में हमने कुछ करेक्शन देख लिए थे। जैसे हमने देखा था करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, है ना? हमने देखा था करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, हमने देखा था करेक्शन ड्यू टू स्लोप, और हमने देखा था करेक्शन ड्यू टू हाइपोटन्यूज, दैट इज हाइपोटन्यूसल करेक्शन, है ना? तो ये चार हमने देखा था। आज हम आगे मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है? फिफ्थ वन, पांचवा बोलता है करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर करेक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म बताना पड़ेगा मेरे को, अल्फा। ये अल्फा क्या होता है बताओ, ये अल्फा क्या होता है बेटा? व्हाट इज दिस अल्फा, क्या बोलते हैं इस अल्फा को, बता सकता है कोई? व्हाट इज दिस अल्फा, ये अल्फा क्या होता है? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। चलो ठीक, ये तो बता दिए। अच्छा, अब दूसरा, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? ये तो एक मैटेरियल प्रॉपर्टी है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा, अल्फा का डेफिनेशन क्या होगा बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा, क्या बोलते हैं अल्फा का डेफिनेशन बताओ बेटा? यस बोलो, नथिंग बट थर्मल स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यही बोलते हैं ना? तो थर्मल स्ट्रेन क्या हो गया, डेल्टा बाई टी, डेल्टा बाई एल, अगर एल लेंथ है और नीचे में डेल्टा टी हो गया, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, एल अल्फा डेल्टा टी, यही क्या हो जाएगा टेम्परेचर करेक्शन। अच्छा, अब यहां पे डेल्टा टी क्या है समझो, कोई भी पर्टिकुलर चेन या टेप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कास्ट होता है, ठीक है? तो उस टेम्परेचर को हम बोल रहे हैं टी नॉट, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल रहे हैं, टी नॉट। टी नॉट हम क्या बोल रहे हैं, टी नॉट इज द कास्टिंग टेम्परेचर और मेकिंग टेम्परेचर, ठीक है? और जब तुम साइट पे किसी चेन या टेप को यूज करते हो, तो उसका सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, उसको हम बोल रहे हैं टी एम। टी एम इज द, टी एम इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है? ईएमएस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो अब ये जो डिफरेंस है बिटवीन द सराउंडिंग कास्टिंग, यही तो चेन में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है ना? तो डेल्टा, देखो हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा डेट इज करेक्शन इन टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू एल अल्फा टी एम माइनस टी नॉट। तो अगर अगर सराउंडिंग और कास्टिंग टेम्परेचर दोनों सेम रहता है, दोनों सेम रहता है, तो आपका
चेन या टेप के लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर अगर टीएम टी नॉट से बड़ा है या टीएम टी नॉट छोटा है तो करेक्शन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर टीएम टी नॉट से बड़ा है ना, टीएम टी नॉट से बड़ा, तो अगर टीएम टी नॉट से बड़ा है तो एल डैश और एल क्या होगा, एल डैश और एल में क्या रिलेशन आएगा, टीएम टी नॉट से बड़ा होगा तो अच्छा पहले डेल्टा लिख दे रहे, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, और डेल्टा अगर पॉजिटिव होगा तो कौन बड़ा होगा, एल डैश या एल, बोलो एल डैश विल बी ग्रेटर देन एल, और अगर एल डैश एल से बड़ा होगा तो करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन विल बी पॉजिटिव है ना, और एरर विल बी, एरर विल बी निगेटिव होगा ना। और यही अगर दूसरे केस में, अगर टी एम टी नॉट से छोटा है, टी एम टी नॉट से छोटा है तो डेल्टा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव हो जाएगा तो एल डैश और एल में क्या रिलेशन हो जाएगा, एल डैश विल बी लेस देन एल है ना, और एल डैश अगर एल से छोटा है तो करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, जो करेक्शन क्या देते हैं, एल डैश माइनस एल है ना, और एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया, बोलो। सो दैट इज करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, दैट इज योर फिफ्थ करेक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आया सबको, देख लो एक बार, क्लियर है सबको, बोलो भैया, इज इट क्लियर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, सिक्स्थ वन, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू पुल। तो अब समझोगे, जब भी तुम फील्ड पे चेन या टेप यूज करते हो तो आपको मेजर करने लिए आप क्या करते हो, उसको पुल देते हो है ना, यू गिव अ स्टैंडर्ड पुल टू द चेन और टेप। तो अब एक पुल जब हम दे रहे हैं तो वो जब डिजाइन हो के आते हो तो स्टैंडर्ड पुल से आता है। अब हम उस वहां पे कितना पुल दे रहे हैं तो उसके अनुसार चेन या टेप के लेंथ में चेंज आता है। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि इफ पीएम इज अप्लाइड पुल, पीएम इज द अप्लाइड पुल एंड पी नॉट इज द स्टैंडर्ड पुल, पी नॉट इज द स्टैंडर्ड पुल, तो आप जो लोड लगा रहे हो वो एक्सियल लगा रहे हो, तो लोड अगर आप एक्सियल लगा रहे हो तो हमको पता है कि डिफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला था, पीएल बाई यही। तो ऑलरेडी जब आप डिजाइन कर रहे हो तो एक स्टैंडर्ड पुल से तो आप डिजाइन किए ही हो। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा लोड का वही तो आपका चेंज करेगा लेंथ में है ना। तो करेक्शन ड्यू टू पुल हम क्या लिखते हैं, पीएम माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए, दिस इज अ करेक्शन ड्यू टू पुल। तो अब यहां पे एल क्या है, व्हाट इज एल, लेंथ ऑफ चेन और टेप, लेंथ ऑफ चेन और टेप इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब अगेन कंडीशन बनाते हैं, अगर पी एम पी नॉट से ज्यादा और पी एम पी नॉट से कम। ठीक है, तो अगर पी एम पी नॉट से ज्यादा तो एल डैश और एल में क्या रिलेशन होगा, अगर पी एम पी नॉट ज्यादा होगा तो एल डैश बड़ा हो जाएगा किससे, एल से, और दूसरे केस में एल डैश क्या हो जाएगा, एल से कम हो जाएगा। तो अगर एल डैश एल से बड़ा हो गया तो करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, बोलो, करेक्शन विल बी पॉजिटिव और दूसरे केस में निगेटिव, एंड करस्पॉन्डिंगली एरर क्या हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, पहले केस में निगेटिव और दूसरे केस में पॉजिटिव। समझ में आया है ना। सो दैट इज द करेक्शन ड्यू टू पुल, ये आपका करेक्शन ड्यू टू पुल है। ठीक है, अगला देखते हैं, सेवेंथ वन, सैग करेक्शन, सैग करेक्शन, रिटन है सी सैग। ठीक है, तो देखो यहां पे सैग करेक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो कभी भी आपको हम बोले कि जब एक स्टैंडर्ड पुल पे हम डिजाइन कर रहे हैं, सपोज दैट स्टैंडर्ड पुल इज पी नॉट, तो करस्पॉन्डिंग टू पी नॉट
देर इज अ सैग, देर इज अ सैग, इस सैग को हम बोल रहे हैं एल, ठीक है, इस सैग को हम बोल रहे हैं एल इस केस में। अब हमारा जनरली आदत क्या है कि हम चेन या टेप को पूरा खींचते हैं और जब हम उस पर जो लोड लगाते हैं तो वो पीएम जो होता है वो ज़्यादातर पी नॉट से ज़्यादा होता है, ज़्यादातर पी नॉट से ज़्यादा होता है। तो इस सिचुएशन में जो सैग तुम्हारा बनेगा उसको हम बोल रहे हैं एल डैश। तो अब एक बात बताओ क्या होगा, एल डैश इस केस में एल डैश एल से बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, एल डैश एल से बड़ा होगा या छोटा हो जाएगा, एल डैश एल से छोटा हो जाएगा। तो अगर एल डैश एल से छोटा हो जाएगा तो सैग कर्शन क्या हो जाएगा, सैग कर्शन इज नेगेटिव, समझ में आया, सैग कर्शन इज नेगेटिव। तो देखो कर्शन इज सैग इज गिवन बाय अ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, W इंटू एल का होल स्क्वायर इंटू एल अपॉन 24 इंटू पी एम का स्क्वायर। अब यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट टर्म्स ये बताते हैं। W इज द वेट ऑफ चेन और टेप पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एल इज द एल लेंथ ऑफ चेन है और पीएम क्या है, पीएम इज द अप्लाइड पुल, ठीक है, पीएम इज द अप्लाइड पुल। तो अब यहां से एक टर्म डिफाइन होता है, उस टर्म को हम बोल रहे हैं नॉर्मल टेंशन। पढ़ा होगा आपने नॉर्मल टेंशन, कोई बता सकता है व्हाट इज दिस नॉर्मल टेंशन, ये नॉर्मल टेंशन क्या होता है, बताएगा कोई व्हाट इज दिस नॉर्मल टेंशन क्या होता है, बोलो, यस, एनीवन, एनीवन, ये नॉर्मल टेंशन क्या होता है कोई बताएगा, बोलो भैया। हाँ देखो, जब तुम पुल अप्लाई किए दैट पुल इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड पुल, तो वहां पे क्या आया, पॉजिटिव पुल करेक्शन आया, पॉजिटिव पुल करेक्शन आया और उसके कारण सैग करेक्शन क्या आया, नेगेटिव आया। तो द इंस्टेंट एट विच द पॉजिटिव पुल करेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव सैग करेक्शन, ठीक है, तो उस समय जो पुल अप्लाई हुआ है दैट इज पी एम, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल टेंशन, ठीक है। तो पॉजिटिव पुल करेक्शन क्या हो गया, पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए, और निगेटिव सैग करेक्शन क्या हो गया, डब्ल्यू एल का होल स्क्वायर इंटू एल अपॉन 24 पी एम स्क्वायर होगा। तो यहां से आपको क्या करना है, यू नीड टू सॉल्व फॉर पी एम, एंड दिस पी एम इज व्हाट, पी एम इज नॉर्मल टेंशन। बात समझ में आया, बोलो भैया, दिस इज योर नॉर्मल टेंशन। तो डेफिनेशन वाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉर्मूला में आपसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करता है। थ्योरी पार्ट के लिए जो भी एक्स्ट्रा थ्योरी पार्ट है मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। चलो सो लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो हम क्वेश्चन कैसे बना रहे होंगे, पर क्वेश्चन मैं आपको एक मिनट से दो मिनट दे रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को सोचो समझो बनाओ एंड देन आई विल गिव माई सॉल्यूशन, ठीक है। और जैसे जैसे आपका आंसर आते जाए आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ ताकि इंटरेस्ट बना रहे सबका। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बात आपको समझ में आना चाहिए। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट करोगे, जितना ज़्यादा बी का पॉइंट शेयर करोगे उतना मज़ा आएगा। तो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड सबटेंडेड कॉर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फॉर 18.2 किलोमीटर विल बी, फॉर 18.2 किलोमीटर विल बी, हाँ यही सवाल किसी ने कमेंट से पूछा था ना सर, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर याद करो, बोलो भैया व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, बोलो ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, मीटर में सवाल पूछा है
मीटर में सवाल पूछा है, मीटर में सवाल पूछा है, बताओ क्या होगा, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी क्या होगा चारों में से, बोलो ए बी सी या डी क्या होगा आंसर? देखो ये फैक्ट है तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे पाएंगे। इट इज 0.1 मीटर, आंसर इज ए, आंसर इज ए, ठीक है आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो पहले फिर हम बताते हैं। फॉर एवरी 195.5 किलोमीटर द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल एंड करस्पॉन्डिंगली प्लेन ट्रायंगल। अगेन ये फैक्ट है, किसी को पता है ए बी सी या डी बोलो क्या होगा, ए बी सी या डी इन चारों में से क्या बोलेंगे इसमें, बताइए भैया क्या होगा। बताओ, सो आंसर विल बी ए, वन सेकेंड, आंसर इज वन सेकेंड। अच्छा दोनों ए आ गया, अच्छा मन में चल रहा होगा तीसरा भी ए हो जाएगा है ना। चलो थर्ड देखो, थर्ड लुक एट द थर्ड वन। अ ग्राउंड एरिया ऑफ 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाय 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द प्लान, ठीक है तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे, आपसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पूछ रहा है, बताओगे बताओगे क्या लिखेंगे। ग्राउंड एरिया गिवेन है, प्लान एरिया गिवेन है, अब पूछा है कि बताओ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा। ग्राउंड एरिया गिवेन है, प्लान एरिया गिवेन है, पूछा है कि बताओ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा। ट्राई करो अपने से जल्दी, गिविंग यू वन मिनट टाइम, गेट मी द आंसर ए बी सी और डी, गिविंग यू वन मिनट टाइम। यस ट्राई ट्राई, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखे क्या, देखे सॉल्यूशन। अच्छा देखो तो क्या बोल रहा है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ग्राउंड पे था, वो जो मैप पे था, वो ग्राउंड पे कितना है, 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 112.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ग्राउंड, तो कुछ कट पिट जाएगा, पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, 5 से जाएगा 9, 5 से कितना जाएगा, 5 टू जाए 10, 2 5 225 है ना। 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर बराबर 225 बाई 9, दैट इज रूट लेना पड़ेगा, तो 15 और नीचे में 3, तो आंसर क्या हो गया 5। सो द आंसर इज 1 सेंटीमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज 1 बाई 5। सो आंसर क्या हो गया, व्हाट इज द आंसर, द आंसर विल बी बी, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, ठीक है बी इज द आंसर। ओके कोई डाउट, कोई डाउट बी क्यों होगा, कोई डाउट बी क्यों होगा, बोलो भैया कोई डाउट है बी में, बी कैसे हो गया सर, बोलो नहीं पक्का, पक्का। चलो देखो राइट द क्वेश्चन नंबर फोर, लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट, कल हम बताएं आपको, ट्राई करो अपने से, स्केल कैसे स्मॉलेस्ट होता है, अगर स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कम होता है तो स्मॉलेस्ट होता है, कल ये बात आपको हम बताए थे जब हम चैप्टर शुरू कर रहे थे। तो बताओ चार है, चारों का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालो, जिसमें मिनिमम वैल्यू आएगा डैट इज द स्मॉलेस्ट, तो ए बी सी या डी कौन सा होगा, ए बी सी या डी कौन सा होगा, ए बी सी या डी कौन सा होगा बताओ, ए बी सी या डी इनमें से कौन सा होगा,
यस बोलो ए बी सी और डी फास्ट फास्ट 30 सेकेंड ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें, साथ साथ बनाते चलिए तभी मजा आएगा, क्योंकि हम टाइम आपको दे रहे हैं तो हम बोल नहीं रहे होंगे उस समय। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पहला ए क्या 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा। बी देखो कितना गिवन है 1/5000, बी है 1/5000, सी कितना 1/10000 है ना, सी है 1/10000, डी देखो 1/10×10^3 मीटर में फिर सेंटीमीटर 10^2 तो मतलब क्या होगा 1/10^6 तो मिनिमम कौन सा हो गया डी हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, समझे आंसर क्या हो गया आपका डी हो गया, क्लियर है बोलो राइट दैट इज डी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ प्लान ऑफ एन एरिया हैज श्रंक सच दैट द लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर नाउ मेजर्स 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान इज 1 सेंटीमीटर/10 मीटर देन द करेक्ट डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू द मेजर डिस्टेंस ऑफ 190 मीटर इज, करेक्ट डिस्टेंस बताना है, 190 मीटर रॉन्ग डिस्टेंस है, रॉन्ग डिस्टेंस बोले या श्रंक डिस्टेंस बोले तो आपको करेक्ट डिस्टेंस बताना है, बता सकते हैं ट्राई करो बताओ जल्दी कौन सा होगा ए बी सी या डी, ए बी सी या डी कौन सा होगा, ए बी सी या डी कौन सा होगा बताओ, बताओ कौन सा होगा ए बी सी या डी, यस यस यस, देखें देखिए 5th है ना, हाँ 5th में सबसे पहले क्या निकाले श्रिंकेज फैक्टर निकाल ले, श्रिंकेज फैक्टर कितना 9.5/10 जो कितना हो गया 0.95 हो गया, और श्रिंकेज फैक्टर हमको पता है हमको करेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो करेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा श्रंक लेंथ अपॉन श्रिंकेज फैक्टर, हाँ या ना, श्रंक लेंथ कितना 190, श्रिंकेज फैक्टर कितना 0.95 तो कितना हो गया ये देखो ऊपर में चल जाएगा 100, 95 टू टाइम्स काट दिया तो कितना हो गया ये 200 मीटर, आंसर क्या हो गया आपका 200 मीटर। तो इसी तरीके से देखो एग्जाम में इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, आप जितना तेजी से उसको बनाते चलोगे उतना आपका टाइम बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हो और उतना ही आपके चांसेस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में क्वालिफाई होने के, ठीक है। सो दैट इज योर 5th क्वेश्चन, दैट वॉज योर 5th क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अ सर्वेयर मेजर्ड एन एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर/1 मीटर, आफ्टरवर्ड्स ही फाउंड दैट ही यूज्ड अ रॉन्ग स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर/10 मीटर फॉर द मेजरमेंट, द करेक्ट एरिया इज, करेक्ट एरिया क्या होगा। अच्छा अच्छा तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 मीटर स्क्वायर जो तुम मेजर किए हो वो रॉन्ग एरिया रॉन्ग स्केल से मेजर किए हो विच इज 1 सेंटीमीटर/2 मीटर, तो ये जो 50 मीटर रॉन्ग स्केल के लिए करस्पॉन्डिंग आया तो आपको करेक्ट स्केल करस्पॉन्डिंग एरिया बताना है। तो अब ये जो आप मैप पे मेजर किए वो तो सही होगा है ना, जो आप मैप पे मेजर किए हो वो क्या होगा सही होगा है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैप का एरिया निकालना है, ठीक है।
रॉन्ग के करस्पॉन्डिंग 50 मीटर स्क्वायर है, तो करेक्ट करस्पॉन्डिंग कितना होगा? ट्राई करो अपने से, ट्राई करो अपने से, ट्राई करो अपने से। Yes, yes, please try on your own. बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा कितने लोग का ए आ रहा है, कितने लोग का ए आ रहा है, कितनों का बी आ रहा है? बी 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 एनीवन विथ सी, एनीवन विथ सी, एनीवन विथ डी, डी डी Anyone with D? Okay, देखते हैं सॉल्यूशन। देखो हमको क्या पता है, 8 सेंटीमीटर ग्राउंड का 2 मीटर दे रहा है ना, तो 2 मीटर ग्राउंड का 8 सेंटीमीटर बराबर, तो एरिया में बात करना है तो स्क्वायर कर देंगे। और आप क्या करो, 50 मीटर स्क्वायर बता रहे हो, तो सबसे पहले अगर हमको करेक्ट एरिया चाहिए, करेक्ट एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 50 को हम कहाँ लाएंगे, पहले मैप के एरिया पे ला दे, तो कितना कर दें हम, डिवाइडेड बाई 1 × 2 मीटर, तो 1/200 का होल स्क्वायर कर दे, है ना। और अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करना है, इसको ग्राउंड के उस पर रिप्रेजेंट करना है। 8 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो स्क्वायर करेंगे तो बराबर 100 का स्क्वायर कर देंगे, तो इससे क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या हो गया, 12.5 मीटर स्क्वायर। सो आंसर कितना हो गया, बी दैट इज 12.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी का ए आया होगा, किसी का ए आया होगा, गलत है वो, ए गलत है, बी होगा। आप पहले देखो क्या किया हमने, अगर 2 मीटर ग्राउंड पे है तो मैप पे कितना, 8 सेंटीमीटर, तो अगर हम एरिया में बात करेंगे तो 4 मीटर स्क्वायर ग्राउंड का, मैप का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 50 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50/4 डैट इज 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अब ओरिजिनल स्केल बराबर अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राउंड का कितना हो जाएगा, 12.5 मीटर स्क्वायर, डैट इज द आंसर इज 12.5 मीटर स्क्वायर। वो तो फॉर्मूला के बेस पर आपको समझाना था, ऐसा आप समझ चुके होंगे, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगला देखो, द डिस्टेंस इन टू पॉइंट्स ऑन द प्लान वाज 200 मीटर विद मेजर्ड विद अ स्केल ऑफ 1 in 1000। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विद द स्केल ऑफ 1 in 500। चलो बनाओ तो जल्दी से, बनाओ तो जल्दी से, सेम जैसा पहले बनाए थे वैसा ही है, जैसा पहले बनाए थे वैसा ही है, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही है। बताइए क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, फर्स्ट ए बी सी और डी। अगेन आप ए और बी में गलती करोगे, अगेन आप ए और बी में गलती कर सकते हो। बोलो क्या होगा, ए या बी, बोलो क्या होगा, ए या बी। Yes, say whether it's A or B or C or D. बोलो first, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, कौन सा होगा? Yes, तो भैया okay, let's see then. लेट सी देन, क्या बोल रहा है, 200 मीटर मेजर किए जब स्केल क्या 1 in 1000, ठीक है, तो आप उसको अगेन पहले किस में कन्वर्ट कर दो, मैप पे कन्वर्ट कर दो, है ना, फिर जो स्केल चेंज हुआ उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बता दो। तो मैप डिस्टेंस क्या हो गया, मैप डिस्टेंस 200/1000,
है ना, तो ग्राउंड डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा विद अ न्यू स्केल, ग्राउंड डिस्टेंस 200 बटे हजार है ना इंटू 500, वैल्यू क्या हो गया 500, दो बार काट दिया 200, तो आंसर आपका कितना हो गया 100 मीटर। आसान है ना, प्रोवाइडेड आप समझो तब आसान है, प्रोवाइडेड आप समझो तब आसान है। सही, बहुत से क्वेश्चन आप अगर ऑब्जेक्टिव में जाओगे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपसे फंसते हैं ना, तो इसको क्लियर कर लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, बोलो भैया क्लियर है ना। चलो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ऐसा कल हमने देखा था ना, हाँ। तो अब ये आप ट्राई करो बिना कैलकुलेटर के, मजा आएगा, हाथ से बनाओ तो, हम एक मिनट दे रहे हैं आपको, ट्राई विथ योर ओन हैंड्स, डोंट यूज योर कैलकुलेटर, माइंड को यूज करके बनाओ, माइंड को यूज करके बनाओ, क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ, यूज योर ब्रेन एंड सॉल्व, डोंट यूज द कैलकुलेटर, डोंट यूज द कैलकुलेटर, यूज योर ब्रेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, टेक 1 मिनट, नो इश्यू, टेक 1 मिनट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, टेक 1 मिनट, कोई हड़बड़ी नहीं है, सीखना है यहाँ पे, सीखने आए हो, जितना सीखोगे उतना बढ़ोगे, जितना सीखोगे उतना बढ़ोगे आगे, वही चीज़ पुराना नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं। यस, व्हाट इज़ द आंसर, क्या होगा आंसर बताओ, क्या होगा आंसर बताओ, क्या बोल रहा है, मेजरमेंट वॉज टेकन टू बी 3000 मीटर फ्रॉम अ 20 मीटर चेन, लैटिट्यूड वॉज डिस्कवर्ड डैट 8 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। तो अब देखो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का करेक्शन यूज करेंगे तरीका, ठीक है। कैसे देखो, कैसे देखो, मेजरमेंट वॉज टेकन टू बी 3000 मीटर फ्रॉम अ 20 मीटर चेन, है ना। तो चेन क्या है, चेन क्या है, शॉर्ट है, तो करेक्शन क्या होगा पर चेन, करेक्शन पर चेन, करेक्शन पर चेन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द करेक्शन पर चेन, माइनस 8 सेंटीमीटर, तो कितना होगा माइनस 0.08 मीटर, है ना, दैट इज द करेक्शन पर चेन। तो टोटल नंबर ऑफ चेन क्या लिखोगे, टोटल चेन, ये तो आपके लिए कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, फटाफट इतना नहीं लिखना, टोटल चेन कितना बार यूज हुआ, 3000 बटे 20, 3000 बटे 20 मतलब कितना, 150, 150 बार चेंज यूज हुआ, है ना, 150 बार चेंज हुआ, तो टोटल करेक्शन कितना हो गया, टोटल करेक्शन कितना हो गया, माइनस 0.08 इंटू 150, है ना, मतलब कितना हो गया वो, योर 12 मीटर, है ना, 12 मीटर हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना, बोलो भैया एकदम 12 मीटर, तो माइनस में 12 मीटर, तो व्हाट इज ट्रू लेंथ ऑफ द मेजरमेंट, कितना हो जाएगा 3000 माइनस 12, कितना हो गया ये 2988 मीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखते भी कुछ माइनस कर सकते थे, आपका आंसर तो आया 2988, ठीक है, ये चीज़ आपका दिख रहा है हमको। अच्छा, मानो आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसे देता है कि तीनों एक ऐसा दे देगा जो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, जैसे जैसे आपको दिया चेन इज टू शॉर्ट, मतलब जो एक्चुअल लेंथ होगा वो 3000 से कम होगा, और अगर 3000 से कम होगा तो 3012 और 3006 ये तो कैंसिल हो गया, 2988 हो सकता है, 2994 हो सकता है, तो अब इन दोनों में से हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, मानो अगर सी आपको दिया होता 3001, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, आप सीधे उसको आंसर कर सकते थे। बात समझ में आया, यस और नो, तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ अ लाइन इफ द स्लोप इज 1:10 एंड द लेंथ मेजर्ड इज अलोंग द स्लोप इज 1:1000। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द चेन इज 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, द चेन यूज इज 20 मीटर। चलो ट्राई करो अपने से, ट्राई करो अपने से, ट्राई करो अपने से। हाँ भैया बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो, सॉल्व करो,
सॉल्व करो, बताओ. यस, देखो इस क्वेश्चन में आपको स्लोप भी गिवन है और चेन का लेंथ में भी एरर है, तो आपको दोनों चीज अप्लाई करना पड़ेगा. तो या तो तुम चेन के लेंथ को पहले सही कर लो, चेन के लेंथ से आप सही कर लो डायमेंशन, और उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल दूरी बता दो, या पहले हॉरिजॉन्टल दूरी निकाल लो विद द रॉन्ग लेंथ और फिर करेक्ट लेंथ निकाल सकते हो. दोनों में से जो आप करो दोनों सही हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें. ठीक है, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन और यू नीड टाइम. ओके चलो, दिया एक मिनट दिया आपको, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, सॉल्व दिस फास्ट. बताओ सॉल्व करो. यस, देखो तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल एल निकाल ले रहे हैं. स्मॉल एल कैसे निकाल रहे हैं, आप देखो, आप शॉर्ट अप्लाई करेंगे, 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, एरर पर चेन इज 0.02 मीटर, नंबर ऑफ चेन कितना 1000 मीटर आप मेजर किए थे, तो 1000/20 और रॉन्ग लेंथ वॉज 1000, ये वैल्यू कितना हो गया 1001 मीटर है ना. अब क्या बोला, आपका करेक्ट लेंथ है 1001 मीटर है ना, और स्लोप है 1 in 10. तो स्लोप अगर 1 in 10 का है तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, 101 है ना. हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, डैट इज ए बी हमको चाहिए, तो लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 1001 इंटू कॉस थीटा होगा. 1001 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखोगे, दिस इज थीटा, कॉस थीटा क्या लिखोगे, 10/√101 है ना, 10/√101. सॉल्व करो, बताओ वैल्यू क्या आ रहा है, 10/√101. हम भी सॉल्व कर रहे हैं, बताओ वैल्यू क्या आ रहा है. सॉल्व दिस वैल्यू, बताओ कितना आ रहा है. सो आंसर इज 996.032. आंसर इज 996.032 मीटर. सो दिस इज योर आंसर. आंसर क्या आ रहा है आपका, 996.032 मीटर. ठीक है, 996.032 मीटर, डैट इज योर आंसर. कोई डाउट इस क्वेश्चन में समझ में आया, बोलो. हमने क्या किया, दोनों करेक्शन एक साथ अप्लाई किया है. ठीक है, वी अप्लाइड बोथ द करेक्शन टुगेदर. ठीक है ना, बात समझ में आया, राइट. सो दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9. अगला क्वेश्चन, फास्ट जल्दी बनाओ खुद से. अ मैप विद द स्केल ऑफ 1 in 1000 इज कॉल्ड फोटोकॉपीड सच दैट द लेंथ ओरिजिनली 1 सेंटीमीटर नाउ मेजर्स 0.8 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द स्केल ऑफ द फोटोकॉपीड. जल्दी. टाइम नहीं है गुरु. फास्ट जल्दी बनाओ. 30 सेकेंड टाइम मेरे पास नहीं है, टाइम आपके पास नहीं है, राइट. जल्दी बनाइए जल्दी. यस. बताओ. फास्ट टेल मी कैसे बनेगा. व्हाट द आंसर, ए बी सी और डी, कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताओ. ए बी सी और डी,
Yes. Say. Okay. Let's see then. तो आपको क्या बोला? Photocopied map का scale मतलब shrunk scale पूछ रहा है. Shrunk scale. Shrunk scale क्या होता है? Shrinkage factor into original scale. Original scale. Shrinkage factor कितना? Shrinkage factor आपका 0.8 सेंटीमीटर by 1 सेंटीमीटर. 0.8 by 1 हो जाएगा. और original scale is 1 by 1000. तो क्या हो जाएगा? 1 by 1000 by 0.8. सॉल्व करोगे अगर तो 0.8 काटे तो 10 ऊपर चल जाएगा, 8 से आ जाएगा ये 125. तो कितना? 1 by 1250. आंसर क्या हो गया? 1 by 1250. इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बट प्रोवाइडेड आप समझो कि कैसे इसको बनाते हैं. क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ठीक है. इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो दोबारा. सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग. कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है. फील फ्री विथ मी, ठीक है. मैं बहुत फ्रेंडली हूँ आप लोग के साथ, बस प्रोवाइडेड आप साथ में मेहनत करते रहो, कंटिन्यूस रहो मेरी क्लास में, तभी मज़ा भी आता है, ठीक है. प्लीज़ शेयर दिस लिंक विथ योर फ्रेंड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और वी कैन हैव अ गुड हेल्दी एनवायरमेंट फॉर द क्लास, ठीक है. क्योंकि जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो जितना लोग कमेंट करते हैं उतना मजा आता है. ओके, चलो बढ़िया. सो दैट इज योर क्वेश्चन पार्ट, है ना. अभी हम आई थिंक मेरे पास टाइम है ना. यस, आई हैव 18 मिनट्स. सो आई कैन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. आई कैन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर 2. चैप्टर 2 दैट इज कंपास सर्वे. ज़्यादा नहीं जाएंगे कंपास सर्वे में, हम एक्चुअल में एंटर नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे आपको ज्योग्राफी जो आप थोड़ा पहले पढ़े होंगे बचपन में, बहुतों ने बचपन में पाप भी किए होंगे, क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, तो वो देखते हैं. अच्छा, कोई बता सकता है कि इंडिया का टाइम इंग्लैंड या ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे क्यों है? कैन एनीवन से व्हाई द इंडियाज टाइम इज 5 hour 30 minutes अबव द ग्रीनविच मीन टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hour 30 minutes मोर देन ग्रीनविच मीन टाइम. कोई बता सकता है? यस यस, बताओ. कैन एनीवन टेल मी ऐसा क्यों होता है? बोलो भैया. समझो यहाँ पे, इसको समझने के लिए हम पढ़ने जा रहे सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट्स. सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट्स, ठीक है. तो एंगल कैन बी मेजर्ड इन टू ऑफ द सिस्टम. ऐसे बहुत सिस्टम है, दो हमारे लिए जानकारी के लिए चाहिए. एक है आपका एंगल सिस्टम और दूसरा आवर सिस्टम, अगला देखेंगे. तो एंगल सिस्टम क्या बोलता है कि एक सरकम किसका? अर्थ का. एक सरकम बराबर कितना? 360 डिग्री, ठीक है. एक डिग्री बराबर 60 मिनट, तो एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है. डैट इज योर एंगल सिस्टम. अब आवर सिस्टम है दूसरा, आवर सिस्टम है दूसरा. तो आवर सिस्टम क्या बोलता है कि एक सरकम अर्थ के मूव करने के लिए हमको कितना आवर लगता है? 24 आवर, है ना. एक आवर में कितना मिनट? 60 मिनट. और एक मिनट में कितना? 60 सेकेंड. तो अगर हम इन दोनों सिस्टम को लिंक करते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल सिस्टम एंड आवर सिस्टम, तो अगर हम इन दोनों सिस्टम को लिंक करते हैं तो समझो हम क्या लिख सकते हैं, दैट 24 आवर ऑफ आवर सिस्टम
क्योंकि एच सर्कम तो दोनों में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री ऑफ एंगल सिस्टम लिख सकते हैं, बोलो, कैन वी राइट दिस? तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, तो एक घंटा में कितना, वन आवर ऑफ आवर सिस्टम इज इक्वल टू 15 डिग्री ऑफ एंगल सिस्टम। अब इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, ये क्या बोलता है कि अगर तुम अर्थ का, अर्थ पे मूव करते हो बाय 15 डिग्री, अर्थ के सरफेस पे मूव करते हो बाय 15 डिग्री, ठीक है, इन द लॉन्गिट्यूड, तो एक घंटे का डिफरेंस आएगा समय में, ठीक है। सिमिलरली मिनट में अगर बात करें, 1 × 60 मिनट ऑफ आवर सिस्टम इज इक्वल टू 15 × 60 मिनट ऑफ एंगल सिस्टम। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट ऑफ आवर सिस्टम इज इक्वल टू 15 मिनट ऑफ एंगल सिस्टम। सिमिलरली व्हाट वी कैन राइट, 1 सेकेंड ऑफ आवर सिस्टम इज इक्वल टू 15 सेकेंड ऑफ एंगल सिस्टम, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, देखो देखो, तो क्या है, ये तुम्हारा ग्रीनविच मेरिडियन है, जहां पे आपका कुछ ग्रीनविच मीन टाइम होगा, ठीक है, और यहां पे हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए। तो ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री पे है और इंडियन स्टैंडर्ड मीडियन 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ईस्ट में, ठीक है। तो कितने डिग्री का डिफरेंस आया, 82.5 डिग्री का डिफरेंस आया। तो हम क्या जानते हैं, 15 डिग्री में एक घंटे का डिफरेंस आ जाता है, 8 डिग्री में कितना आएगा, 1/15 ऑफ एन आवर आएगा। तो 82.5 डिग्री, डेट इज 82.5 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1/15 × 82.5 आवर, है ना, जो कि कितना हो गया, 5.5 आवर, डेट इज हाउ मच, 5 hours 30 minutes, समझ में आया, 5 hours 30 minutes। तो अगर ग्रीनविच मीन टाइम अगर है, मानो किसी इंस्टेंट पे 11:30 AM, तो इंडिया में कितना होगा, 5.5 घंटा आगे, डेट इज 5 PM, इज इट क्लियर? तो अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ते हो तो समय बढ़ेगा, अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो समय घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है, बात समझ में आया, कैसे हम टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का, है ना। अब तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, कंपास सर्वे का जो स्टार्ट वाला पार्ट बताएं, है ना, तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी जगह का, ये क्लियर होगा यहाँ से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई टूडेज क्लास, ठीक है। अब एक चीज याद रखो कि वी हैव सर्टेन लिमिटेशन, अगर आप डाउट सेशन सेपरेटली लेना चाहते हो या आप चाहते हो कि सर हम और भी एग्जाम्स की तैयारी करते रहें साथ में, ताकि देखो ये चीज हमेशा याद रखना, जितना आप अपने आप को सक्षम बनाओगे, जितना आपका गोल हाई रहेगा, उतना आप स्ट्रांग हो सकते हो किसी भी चीज को ऑब्टेन करने में, ठीक है। आप गोल ही अगर लो सेट किए रहोगे, नहीं हम इतना में ही संतुष्ट हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि आप वाइडर ऑप्शंस अपने लिए नहीं खोलते हो, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम देने के लायक आप बन सको, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता आप किस चीज़ के लायक हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे क्वेश्चंस पे, उतना आप सीखोगे और उतना आपका चांसेस होगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकोगे, बात समझ में आ रहा है ना। सो अगर what I feel फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, हमेशा मैं अपने आप को यही करता रहा हूँ कि ट्राई टू गिव मोर एंड मोर एग्जाम्स, ठीक है, ताकि आप अपने आप को बेटर बना सको, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आप और भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो एंड यू वॉन्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर एग्जाम्स, तो आप प्लस का रेफरल ले सकते हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, है ना। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो, अगर सब्सक्रिप्शन जाओगे तो आप मेरा कोड यूज अगर करते हो तो यू कैन गेट द 10% डिस्काउंट, है ना। सो ऑल द बेस्ट, विल मीट टुमारो देन। सॉल्व क्वेश्चन जितना भी आपका गुप्ता एंड गुप्ता क्वेश्चन है उसके सारे लगाओ, और अगर कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है, थैंक यू।